गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो मेरी तरह आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि बेबी क्रीम लगाना एक ऐसा सल्यूशन है जिससे आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। यही मुझे लगता है, तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये जॉनसन की मिल्क एंड राइस क्रीम। तो अभी इसको मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इसके कैसे रिजल्ट्स मुझे मिले और ये किस स्किन टाइप पे काम करता है, इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में करूँगी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि बेबी की स्किन पे ये कैसे काम करता है और कुछ भी नहीं पता, पर मेरी स्किन पे इसने कैसे काम किया ये सारी बातें आज के वीडियो में करूँगी। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है जॉनसन का मिल्क एंड राइस क्रीम, जो कि बेबी की हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये मिल्क प्रोटीन एंड मल्टीपल विटामिन से मिलके बना हुआ है। डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं। पीएच बैलेंस करता है, हाइपोएलर्जेनिक है, कोई भी पैराबेंस नहीं है, डाइज में यूज़ नहीं किया गया है। इसमें फ्रेग्रेंस तो है और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल माइल्ड फ्रेग्रेंस है, पर जो भी फ्रेग्रेंस है अच्छा लगता है। तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, ये इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो मैंने एक एक चीज़ को गूगल करके देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और आप देख सकते हो मेरा पूरी ये डायरी भर गई है, इसमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो मुझे नहीं पता यार बेबी की स्किन पे ये कैसे काम करती होगी और इतने सारे इसमें केमिकल्स हैं। मैं बस ये कहूँगी कि अगर आप बेबी के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो प्लीज़ एक बार देखो कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ लगाओगे, आप बता सकते हो कि आपको दाने आ गए, आपको इचिंग है, आपको जलन हो रही है, पर बेबी ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो आपको ये सोच समझ के यूज़ करना चाहिए चीज़ें कि किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है और कोई चीज़ स्किन को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, हमेशा देखो कि इसमें क्या क्या है और एक एक चीज़ को सर्च करके देखो कि ये बेबी की स्किन के लिए सही है या नहीं। तो मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स देखे, तो ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती हैं और एंटीसेप्टिक हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, पर साथ में इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जो स्किन को डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इसको मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मैंने सोचा था कि मैं इसको 15 डेज़ ओवरनाइट यूज़ करूँगी और फिर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे रिजल्ट्स मिले। पर मैं 15 डेज़ तो यूज़ ही नहीं कर पाई, मुझे 3-4 दिन ही मैंने यूज़ किया और फिर इसको यूज़ करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे छोटे छोटे से दाने होने लगे और मुझे हल्की हल्की इचिंग भी होने लगी। फर्स्ट डे जब मैंने इसको लगाया तो इसने बहुत अच्छे से मेरी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया और नॉन स्टिकी है, लाइट वेटेड है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दिया, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगी, आपको अपनी स्किन को छूने में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब फ़र्स्ट डे मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ, मुझे फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो मेरी स्किन को सॉफ्ट बना रहा है और मुझे बेबी सॉफ्ट वाली फीलिंग आ रही थी। पर 2 दिन बाद मुझे छोटे छोटे से दाने होने लगे और क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पोर्स को क्लॉग करती हैं और तो हो सकता है कि इस वजह से मुझे छोटे छोटे दाने होने लगे और फिर मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो बिल्कुल इसको यूज़ मत करो, आपकी स्किन पे काम नहीं करेगी क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चराइज करती है, हो सकता है इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाए। सेंसिटिव स्किन है तो मैं कहूँगी यार इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, साथ ही साथ फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस बुरी नहीं है, पर ये मैं नहीं कहूँगी कि माइल्ड फ्रेग्रेंस है। तो हो सकता है कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस से भी प्रॉब्लम हो, तो सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ ना करें। ड्राई स्किन है तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखेगी। आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करके इसको लगाते हो, तो अच्छे से ड्राई स्किन पे ये काम कर जाएगी। पर ऑयली स्किन वाले, स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन वाले, बिल्कुल भी
एक्सपेरिमेंट ना करें इस क्रीम को यूज़ करके, क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि बेबी क्रीम है और कुछ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, पर हो सकता है आपकी स्किन पे इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं। और मैंने बहुत सारे लोगों को बेबी क्रीम यूज़ करते देखा है और वो लोग सिर्फ इसीलिए करते हैं, उनको लगता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है या मेरी स्किन पे कोई चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो चलो बेबी क्रीम ही लगा लेते हैं, बेबी के प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर लेते हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस क्रीम के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा मुझे, मतलब मैं ज़्यादा दिन यूज़ ही नहीं कर पाई और अब तो मैं बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप एज अ मॉइस्चराइज़र बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से काम करेगी। पर अगर आप कोई केमिकल फ्री चीज़ चाहते हो, कि कोई केमिकल फ्री क्रीम वगैरह यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको ना ही लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तब भी ये प्रोडक्ट आपको सूट करता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।